दोस्तों नमस्कार, जीबीसी अपडेट कॉर्पोरेशन पर मैं परमवीर जगत और आज बात करते हैं इंटरनेशनल टी डे पर। टी के बारे में कुछ यूनिक फैक्ट्स जानते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि टी दुनिया की सबसे मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड बेवरेज है। लिक्विड की बात की भी करें तो पानी के बाद सबसे ज्यादा चाय ही पी जाती है। एनुअल कंजम्पशन टी की 3.6 बिलियन कप्स है वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड। और टी के, आपको जान के हैरानी होगी, टी की, सिर्फ चाय की, दुनिया में 3000 से ज़्यादा वैरायटीज ग्रो की जाती है। बट चाहे वो ग्रीन टी हो, चाहे वो ब्लैक टी हो, वाइट टी हो, ब्लू टी भी हो, कुछ बहुत सारी टीज आती है, अलग अलग नाम दिए हो, बट वो हर तरह की टी, ये नहीं है वो सभी अलग अलग प्लांट से उगती है, और बेसिक प्लांट एक ही है उनका, कैमेलिया साइनेंसिस। यस, आपने सही सुना, कैमेलिया साइनेंसिस। दोस्तों अब बात करते हैं कि टी की डिस्कवरी कैसे हुई। बात है आज से तकरीबन 4,500 साल पुरानी, 2732 बीसी के आसपास। कई जगह 3200 लिखा हुआ है, कई जगह 57 लिखा हुआ है, मतलब वही 4700 साल पुरानी बात है। चाइना का एक राजा था शैन नंग, वो पेड़ों के नीचे बैठा हुआ था, तो उसने अपना पॉट में एक थोड़ा सा पानी उबल रहा था, उसके पास पानी उबला हुआ उसने रखा हुआ था, तो जिस पेड़ के नीचे बैठा था ना, उसके कुछ पत्तियाँ उस पानी में जाकर पड़ गई, और वो उबला हुआ पत्तियाँ उबले हुए पानी में पड़ गई, और उस उबला हुआ पानी उसने कंज्यूम कर लिया। जब पानी कंज्यूम किया, उसको बड़ा रिफ्रेशिंग सा लगा, उसको ऐसा लगा कि जो लिक्विड उसने पिया है वो उसकी सारी बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। सो यहाँ से शुरुआत होती है टी की, चाय की। और आपको बता दूँ कि उसने इस लिक्विड को जो उसने बनाई थी, उसका नाम भी उसने रख दिया चा, चा, जो हम चाय बोलते हैं, चा, ऐसे नाम पड़ा उसका, उसका चाइनीज में मतलब है टू इन्वेस्टिगेट। सो ऐसे शुरुआत होती है चाय की। दोस्तों क्या आपको पता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 पाउंड चाय बनाने के लिए कितनी पत्तियाँ यूज़ की जाती है? एवरेज, कम ज़्यादा भी हो सकती है, एवरेज अबाउट 2000 टी लीव से 1 पाउंड चाय बनती है। 2000 टी लीव से 1 पाउंड चाय बनती है। दोस्तों टी बैग बहुत फेमस है, यूज़ करने में बड़ा अच्छा लगता है। तो टी बैग की जो डिस्कवरी थी ना, इन्वेंशन कह लो, डिस्कवरी जो मर्जी कह लो, इसकी ये इट डेट वॉज एक्सीडेंटल। 1908 में एक न्यूयॉर्क का मर्चेंट था, वो अपनी टी की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उसने अपने लोकल कैफेज और रेस्टोरेंट्स में सिल्क बैग में टी डालकर सभी कैफेज और रेस्टोरेंट्स में भेजी न्यूयॉर्क में। वो इतनी फेमस हो गई कि वो कैफेज और रेस्टोरेंट्स वाले ना डायरेक्टली वो सिल्क बैग्स यूज़ करने लग गए, उसको थोड़ी देर बाद पता लगा। ऐसे शुरुआत होती है टी बैग्स की। और दुनिया का सबसे कीमती टी बैग पता है कौन सा है? डेट इज़ डायमंड टी बैग, जिसकी कीमत 7,000 पाउंड है। 7,000 पाउंड का डायमंड टी बैग इंग्लैंड में। आज की डेट में 50 से ज़्यादा कंट्रीज टी उगाते हैं, और दुनिया का सबसे पुराना प्लांट है टी का, वो चाइना में है, जो कि 3200 साल पुराना है। टी को मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पर भी बहुत कंट्रीज में यूज़ किया जाता है। दिल्ली एक कंजम्पशन के लिए, एक ड्रिंक बनने से पहले बहुत साल तक टी जो है एज ए मेडिसिन यूज़ की जाती रही। इसकी टी की पत्तियों की एक और खास बात है कि आसपास की जितनी भी खुशबू है, जो भी अरोमाज है, उसको ये अब्सॉर्ब कर लेती है। इसी कारण इनको एयर टाइट कंटेनर में ही रखा जाना चाहिए। दोस्तों टी के बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी है। टी कैफीन क्रैश नहीं करती, बिकॉज इसमें
एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। टी की खासियत है कि ये बॉडी में ये एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रेजेंस के कारण, जो कैफीन क्रैश कॉफ़ी कारण होता है ना, एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रेजेंस के कारण टी में नहीं होता। कैफीन की जो अब्जॉर्प्शन है बॉडी में, वो एंटीऑक्सीडेंट जो टी में होते हैं बहुत स्लोली करते हैं, बहुत स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसी कारण कैफीन स्लोली बॉडी में अब्जॉर्ब होती है और इसका लंबे टाइम तक असर रहता है, अनलाइक व्हाट यू से कॉफ़ी। और कैफीन इसकी होती भी लिमिटेड मात्रा में है टी में, कॉफ़ी में तो बहुत ज़्यादा होती है पर टी में लिमिटेड मात्रा में होती है। और इसका और एक और हेल्थ बेनिफिट है, इसमें पॉलीफिनॉल्स भी होते हैं। पॉलीफिनॉल क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट ही है विच रिपेयर सेल्स। सो सेल रिपेयर मतलब कि डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, देन अपना कैंसर, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत रोल जो है प्ले करती है टी। सो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब 3.67 बिलियन कप्स में से आप भी एक कप चाय का पी रहे हो, तो चाय के बारे में सोचना ज़रूर। धन्यवाद।